हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। अच्छे तृतीया की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे अक्षय तृतीया की पूजा विधि। तो बहुत ही सरल तरीके से मैं अक्षय तृतीया की पूजा विधि आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, अक्षय तृतीया की जो पूजा विधि होती है उस पर चंदन श्रृंगार किया जाता है लड्डू गोपाल का। तो किस तरीके से चंदन श्रृंगार करना है, स्नान करना है, पूजा करना है, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम चंदन तैयार कर लेंगे। चंदन में आप कपूर, इत्र और गुलाब जल मिलाकर चंदन तैयार कर लें। इसके बाद आपको पीतल की ले सकते हैं, कांसे की ले सकते हैं, चांदी की ले सकते हैं। कृपा करके स्टील का बर्तन ना लें। तो यहाँ पर मैंने ली है पीतल की प्लेट। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम सुबह से लड्डू गोपाल के स्नान से। तो देखिए, आज के दिन चंदन का विशेष महत्व है, तो हम पूरी पूजा में चंदन का ही इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चंदन का सुभाष्तिक। तो यहाँ मैंने चंदन का सुभाष्तिक बना लिया है। इसके बाद मैं यहाँ लड्डू गोपाल को विराजमान करूँगी। इसके बाद कराऊँगी मैं स्नान। तो देखिए, चंदन का महत्व है, तो मैं थोड़ा सा चंदन लड्डू गोपाल को लगा दूँगी। जैसे मालिश करते हैं, उपटन करते हैं, इस तरीके से आप लड्डू गोपाल के लगाते हैं। फिर इसके बाद जो मैं जल लूँगी, तो देखिए आज के दिन बहुत बड़ा दिन होता है अक्षय तृतीया। तो आज के दिन देखिए, आप पंचामृत से स्नान कराएं, कच्चे दूध से कराएं, इत्र मिलाकर कराएं। तो यहाँ देखिए, मैंने कराया है। केवल खाली जल से आज के दिन स्नान ना कराएं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने फूल पत्तियाँ अब जल में डालनी हैं। थोड़ा सा मैंने चंदन पाउडर डाल लिया है और थोड़ा सा मैंने इत्र और गुलाब जल मिला लिया है। उसके बाद मैं करा रही हूँ अच्छे से अपने लड्डू गोपाल को स्नान। तो यहाँ कराएंगे हम लड्डू गोपाल को स्नान। अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं और चंदन का लड्डू रखा जाता है। तो आज के दिन चरणों के दर्शन का विशेष महत्व होता है। तो आप लड्डू गोपाल के चरणों के लिए पायल जरूर बनवाएं। अगर आप नहीं बनवा सकते तो आप फूलों की पहना सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल तो देखिए भाव के भूखे होती हैं। तो देखिए, अब मैं करूँगी इत्र की मालिश। तो आप स्नान कराने के बाद आज के दिन इत्र की सेवा लड्डू गोपाल को या बिहारी जी को अवश्य दें। अगर आपके यहाँ बिहारी जी हैं तो आप बिहारी जी को भी इत्र की सेवा जरूर दें। इसके बाद देखिए, आज के दिन कपड़ों का श्रृंगार नहीं होता है। लड्डू गोपाल के पूरे शरीर पर चंदन लगाया जाता है। कुछ घरों में माथे पर ही लगा देते हैं, तो आप माथे पर लगा दें। वैसे महत्व पूरी बॉडी का होता है, तो यहाँ पूरे शरीर पर लगाएं तो अच्छी बात है। देखिए, यहाँ मैंने चंदन लगा दिया है। अब यहाँ मैं जला लेती हूँ दीपक। सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले हम यहाँ दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो यहाँ मैंने जला लिया है दीपक। इसके बाद करेंगे हम कलश की स्थापना। अक्षय तृतीया में कलश की स्थापना बहुत ज़रूरी होती है। और देखिए, ना तो आप स्टील का लें ना ही पीतल, यहाँ मिट्टी के कलश की स्थापना होती है और मिट्टी का कलश ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कंठ पे हम कलावा बांध लेंगे। तो यहाँ कंठ पे मैंने कलावा बांध लिया है। इसके बाद देखिए, चंदन का सुवास्तिक बनाना है। चंदन का ही बनाना है, क्योंकि आज के दिन चंदन का महत्व होता है। तो हमें चंदन का सुवास्तिक कलश पर आके बनाना है। देखिए, जो पूजा होती है वो ऋतु के अनुसार होती हैं। अक्षय तृतीया बैसाख मास में पड़ती है, तो बैसाख मास जो होता है वो बहुत ही गर्म होता है। तो आज अक्षय तृतीया में जो कलश की स्थापना होती है वो मिट्टी की होती है, क्योंकि मिट्टी का जो कलश होता है वो शीतलता प्रदान करता है। तो यहाँ मिट्टी के कलश की ही स्थापना होती है, पीतल के कलश की स्थापना या चांदी के या फिर कांसे किसी भी कलश की स्थापना हम नहीं कर सकते हैं, केवल मिट्टी के कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, मैं इसमें एक लोटा जल भर दूंगी। कंठ तक आपको जल भर देना है और जल खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने इसमें शक्कर मिला ली है। आप चाहें तो जल जब कलश में भरें तो आप उसमें थोड़ी से चावल, चीनी या फूल पत्ती, क्योंकि खाली कलश की स्थापना नहीं करनी चाहिए। कुछ भी चावल डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, फूल पत्ती डाल सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर डालें। खाली कलश की स्थापना नहीं होती है। तो देखिए, अक्षय तृतीया की जो कलश की स्थापना होती है उसके नीचे गेहूं का आसन दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ मैं गेहूं का आसन दूंगी, उसके ऊपर ही मैं कलश की स्थापना करूंगी। तो देखिए, गेहूं का आसन देने के बाद यहाँ कर ली है मैंने कलश की स्थापना। तो यहाँ हमारी कलश की स्थापना हो चुकी है। जो अक्षय तृतीया का जो कलश होता है उसका जो ऊपर पात्र होता है उसे खाली नहीं रखा जाता है, उसके ऊपर खरबूजे का महत्व होता है। अगर आपके पास खरबूजा नहीं है तो आप आम भी रख सकती हैं। अब देखिए, मेरे लड्डू गोपाल थोड़े से सूख चुके हैं। अब मैं इनका बेला के फूलों से श्रृंगार कर देती हूँ। आप चाहें तो ज्वेलरी का भी कर सकती हैं, लेकिन मैं फूलों का करूँगी। गर्मी है इसलिए आप फूलों का भी कर सकती हैं। आप जैसे चाहें वैसे कर सकती हैं। तो देखिए, अगर खरबूजा है तो खरबूजा रख दीजिए, फल कोई नहीं है
तो आप खाली शक्कर भी इस कलश के ऊपर रख सकते हैं। तो लड्डू गोपाल को देखिए, यहाँ मैं पैरों में फूलों की ही पायल पहनाऊंगी। आज के दिन देखिए चंदन का लड्डू, ये जो गोला है वो लड्डू गोपाल और बांके बिहारी में भी आपने सुना होगा चरणों में रखा जाता है, तो यहाँ हम लड्डू गोपाल के चरणों में ये लड्डू रखेंगे। और लड्डू के ऊपर आपको एक तुलसी पात्र रखना है, तुलसा जी का पत्ता अवश्य रखना है। तो यहाँ मैंने चंदन का लड्डू रख दिया। चंदन का लड्डू का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा कैसे बनाना है। बाकी हम देखिए कलश पर, लड्डू गोपाल के और दीपक पर एक एक फूल सब जगह चढ़ा देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ मैंने चंदन से रोली से सबका हम पूजन करेंगे। तो पहले सबसे पहले यहाँ लड्डू गोपाल का होगा, दीपक का होगा, कलश का, सबका करने के बाद हम थोड़े से अक्षत चढ़ा देंगे, क्योंकि खाली टीका नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़े से अक्षत लगाने हैं, सभी को आपको अक्षत अर्पित करने हैं। तो सभी का टीका करने के बाद देखिए यह एक तुलसी पात्र है, तो ये मैं लड्डू पर रख देती हूँ, क्योंकि लड्डू जो होता है उसे जब हम ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करेंगे तो तुलसी पात्र लगाकर ही करना है, खाली लड्डू हमारे लड्डू गोपाल स्वीकार नहीं करेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ रखना है आपको। अब मैं यहाँ इनके चरणों में इस लड्डू को रख दूंगी, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन चंदन के लड्डू, चंदन का सिंगार और सत्तू का भोग। देखिए सत्तू का भोग मैंने ये बनाया है। आज के दिन आप किसी चीज़ का भोग लगाएं या न लगाएं, लेकिन सत्तू का भोग जरूर लगाएं। तो यहाँ मैं सत्तू का भोग लगा रही हूँ। सत्तू का भोग लगाने के बाद उसमें मैंने एक तुलसी पात्र डाल दिया है, भोग में आपको तुलसी पात्र डालना है। और इधर लगाया है मैंने आम का रस बनाकर, आम का मैंगो शेक बनाकर भोग लगाया। आप जितने चाहें उतने ठंडी चीज़ों का, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, आम, लस्सी, जितनी चाहें लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन इन सब चीज़ों का विशेष महत्व होता है। दक्षिणा आप अपने हिसाब से रख सकती हैं, 10-20 जितना आपको ठीक लगे। इसके बाद अक्षय तृतीया के दिन एक छोटा सा हवन करना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। आप छोटा सा हवन कीजिए, घर में भी पॉजिटिविटी रहेगी। तो देखिए यहाँ कपूर डालकर मैंने हवन की जोत जला ली है। उसके बाद देखिए गूगल, हवन सामग्री, सारी चीज़ें चढ़ाकर आप छोटा सा हवन कर सकती हैं, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। हवन करना बहुत ज़रूरी माना जाता है, इतना बड़ा दिन है तो एक छोटा सा हवन तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। अक्षय तृतीया बहुत ही बड़ा त्यौहार है, इस दिन जब पूजा करते हैं तो बाद में छोटा सा हवन करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ हमारा हवन हो चुका है। अब देखिए हम धूप बत्ती से प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। उसके बाद देखिए हम दीपक से आरती करेंगे। देखिए दीपक हमने जो जलाया है आप उसको भी ले सकते हैं, और आप अलग से भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो कपूर आरती भी कर सकते हैं, कुछ भी इन चीज़ों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अक्षय तृतीया की पूजा करनी है। बहुत ही सरल विधि मैंने आपके साथ शेयर करी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।